पाकिस्तानी बॉक्सर मुजफ्फर खान ने WBC अरेबियन सी टाइटल जीत लिया है। इस्लामाबाद में होने वाली फाइट में कौमी बॉक्सर ने अफगान बॉक्सर अहमद समीर को 5वें राउंड में नॉकआउट किया। मुजफ्फर खान ने सपोर्ट करने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। फाइट के मेहमान खसूसी ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडल ईस्ट चैंपियन उस्मान वजीर ने भी शिरकत की। मुजफ्फर खान AKA शहर इकतदार बना मुक्केबाजी के आलमी मुकाबले का मेजबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स में पड़ा घमसान करन। कौमी बॉक्सर मुजफ्फर खान ने WBC अरेबियन सी टाइटल जीत लिया। इस राउंड में बिल्कुल गिर चुके अफगानिस्तान के बॉक्सर को गिरा दिया है। मुजफ्फर खान और अहमद समीर ने खूब मुकाबला किया। पहले 4 राउंड में दोनों बॉक्सर्स ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। 5वें राउंड में पाकिस्तानी बॉक्सर मुजफ्फर खान ने जोरदार पंच दागा जो अफगान बॉक्सर अहमद समीर सह न सके और नॉकआउट हो गए। इस राउंड में बिल्कुल गिर चुके अफगानिस्तान के बॉक्सर को गिरा दिया है। कौमी बॉक्सर ने सपोर्ट करने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। बोलने से गुफ्तगु में कहा वो 4 साल से फाइट की तैयारी कर रहे थे। 3-4 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क करते थे और शाहजी साहब जो है ना वो नुमान शाह साहब वो 10 साल से वर्क करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह भी हम कोशिश करेंगे कि इस फाइट को डिफेंड करेंगे और जल्द से जल्द WBC एशिया के लिए क्वालिफाई कर ले इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल और इवेंट ऑर्गेनाइजर आसिफ समान ने मजीद बैनुल अक्वामी इवेंट करवाने का अज़्म जाहिर किया। मुजफ्फर शाह जिन्होंने ये टाइटल हासिल किया और उसमें मैं ये मुबारकबाद देता हूँ बाकी को भी जिन्होंने जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये एक अच्छा हमारा स्टार्ट है और ये हमारा खेलों का साल है और ये बहुत बड़ा इवेंट था। पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के जेर एहतमाम बॉक्सिंग इवेंट मुनक्किद हुआ। टाइटल फाइट देखने के लिए ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन उस्मान वजीर भी मौजूद थे। Muzaffar Khan, AKA